नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमनी। दिल्ली के डुबड़ी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई इस वक्त पूछताछ कर रही है। आम आदमी पार्टी इस इन्वेस्टिगेशन को गुजरात इलेक्शन से जोड़कर देख रही है। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी परेशान है और इसीलिए जांच एजेंसियों को आगे किया जा रहा है। केजरीवाल अकेले ऐसे नहीं है जो डायरेक्ट चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के चैलेंजर बहुत लोग हैं, कुछ रीजनल हैं तो कुछ सीजनल हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक मोदी को चैलेंज देने वाले कई हैं, मगर सवाल ऐसे में ये है कि क्या ये चैलेंजर मोदी की परछाई के भी करीब हैं? हमने इस सवाल की पड़ताल करने की ग्राउंड जीरो से कोशिश की है। रिपोर्ट देखिए आप। चौबीस के मैदान में मोदी को चुनौती देने वाले कितने चेहरे होंगे? मोदी के मुकाबले होंगे या चेहरे आपस में ही लड़ते नजर आएंगे? मोदी से मुकाबले के लिए 2 साल बाकी हैं, मगर मोर्चा बंदी शुरू है। मोदी के खिलाफ कौन कौन से चेहरे मैदान में हैं, पहले ये समझिए, फिर ये समझिए कि मोदी की असली ताकत क्या है। ये चेहरे अपनी कमजोरियों से मोदी की ताकत बन जाते हैं। जब मोदी सीधे सियासी सांप सीढ़ी के 100 नंबर पर होते हैं, मोदी के विरोधी 10वें नंबर से चीखते रहते हैं, मगर ऐसे लोगों को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जवाब देते हैं। मोदी के पीछे एक पार्टी की ताकत है, एक विचारधारा की ताकत है। मित्रों, ये हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे को दुनिया में स्थापित देश में सब लोग जिनका लोहा मानते हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं। यह हम सौभाग्यशाली हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आए। 18 करोड़ की जिसकी सदस्य संख्या हो, लाखों कार्यकर्ता हो, जब हम सम्मेलन बुलाएं तो वो सभा बन जाए और जब हम आह्वान करें तो वो आंदोलन बन जाए, ये ताकत है तो भारतीय जनता पार्टी में। सारी पार्टियों के आचार बदल गए, विचार बदल गए, सारी पार्टियों का तौर तरीका बदल गया, सारी पार्टियों का सोच का तरीका बदल गया। सोशलिस्ट सोशलिस्ट नहीं रहे, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट नहीं रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस न इंडियन रह गई, न नेशनल रह गई, न ही कांग्रेस रह गई, भाई बहन की पार्टी बनकर के खड़ी हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने 1951-52 में ये कहा कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 संविधान नहीं चलेंगे। इस यात्रा को हमने शुरू की, हमने एक नहीं अनेकों यात्राएं निकाली, जनादेश यात्रा से एकता यात्रा, यात्राओं की श्रृंखला लगाई, लेकिन हमने धारा 370 को छोड़ा नहीं। हमने कहा कि हम धारा 370 को समाप्त करेंगे और वो 1951 की यात्रा 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हमारा रिकॉर्ड है। मोदी को टक्कर देने के लिए मैदान में फिर उतरे हैं नीतीश। पहले मोदी से हार मानी, फिर महागठबंधन छोड़ा, फिर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में एंट्री कर ली। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते 24 के चुनाव का बिगुल फूंक दिया, जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली तक सुनाई पड़ रही।
आलम यह है कि जिस तेजस्वी को कारण बताकर वापस एनडीए गए थे, अब भूल चूक से उन्हें ही मुख्यमंत्री कह जाते हैं। बड़ी खुशी की बात है और इस कार्यक्रम में उपस्थित है हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। मगर नीतीश जी का संदेश साफ है, वो खुद को दिल्ली की लड़ाई के लिए देख रहे हैं, खुद को मोदी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अब एंटी मोदी गैंग में एक और नेता आ गया है। अब जरा गौर करिए, मोदी से 2024 में मुकाबला करने वाले कितने चेहरे हो गए। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार और तेलंगाना वाले केसीआर। केसीआर ने तो अपनी पार्टी का नामकरण तक नया किया है, 2022 में ही वो 2024 वाले तेवर दिखाते नजर आ रहे। तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति कर चुके हैं, वो भी विपक्ष का चेहरा बनने को बेताब है। किस कदर बेताब है उनके बयानों से जाहिर है। हमारे बड़े भाई नीतीश जी से विस्तार में बात हुई है। एक बात तो समझ में आई और सहमति भी बनी कि किसी भी प्रकार से भाजपा सरकार को विदा करना है इस भारत से, इसलिए 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के हर वो आदमी परेशान है, बेहाल है, वो चाहे पानी का हो, बिजली का हो, खेती किसानी का हो, दलित वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, महिलाओं का हो, किस चीज़ का सुधार हुआ है इस देश में? अगर किसी का भी सुधार हुआ होता तो देश का ये हालत नहीं बनता। डॉलर के प्रति रुपया का इतना गिरावट, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री रहे, किसी भी समय इतना बुरा गिरावट नहीं हुआ। सारे लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि बीजेपी मुक्त भारत ही देश को आगे ले जाएगा। इनके धर्म के वाद पे, कुछ अन्य के वाद पे देश को तोड़ मरोड़ के जो कर रहे हैं, तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत कठिन होता है। हालांकि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष की पिक्चर में लीड रोल तो राहुल गांधी लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। मगर ये यात्रा जब नर्मदा से ऊपर पहुंचेगी तो क्या होगा, ये असली अग्नि परीक्षा होगी। मगर राहुल के नर्मदा पार करने से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह मां नर्मदा के गृह प्रदेश पे थे। शाह ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा विकास। सोनिया मनमोहन के क्षेत्र समय में 12 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, अब 37 किलोमीटर बनते। पहले एक साल में 375 किलोमीटर रेल डाली जाती थी, आज 375 से बढ़कर 1458 किलोमीटर। और कृषि, नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, कृषि का बजट जो पहले 27,000 करोड़ था, ताली बजाना जोर से, 27,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ रुपया कृषि का बजट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही। माताओं, भाइयों, बहनों, सिर्फ विकास नहीं, देश की कई ऐसी समस्याएं जो वर्षों से जिसका समाधान नहीं होता था, आप मुझे बताइए, आप सभी चाहते थे या नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो? जरा जोर से बोलिए, चाहते थे या नहीं चाहते थे? एक कांग्रेस की सरकारों ने कभी नहीं किया। हमें ताने लगाते थे, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि नहीं बनाए बताएंगे। मोदी जी ने, आपने प्रधानमंत्री बनाया, दूसरे टम में
और तुरंत ही एक भी बूंद रक्त बहाए बगैर भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया है मित्रों। और अपने जीवन काल में ही हम एक भव्य आकाश को छूने वाला राम मंदिर अयोध्या की वही भूमि पर देख पाएंगे, ये संभव मोदी जी के कारण हुआ है। हम मोदी के बारे में आज ज्यादा नहीं बोलेंगे, मोदी के विरोधियों के बारे में बोलेंगे। एंटी मोदी गैंग क्या तैयारी कर रही है इस बारे में बताएंगे, और एंटी मोदी गैंग की गुणवत्ता क्या है ये भी बताएंगे। सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के बाद पंजाब की सत्ता कब्जे में आ चुकी है। अगला निशाना मोदी का गुजरात और पंजाब से सटा हिमाचल है, मगर पार्टी दिल्ली के गढ़ में ही करप्शन के इल्जाम झेल रही है। केजरीवाल के दो दो करीबी मंत्री आरोपों के दायरे में हैं। सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का। हालांकि सिसोदिया के लिए केजरीवाल लंबे समय से फील्डिंग कर रहे हैं, अब तो उनके प्रवक्ता भी कहने लगे हैं सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाए। और बड़ी सफाई से भ्रष्टाचार के इस मामले को गुजरात चुनाव से जोड़ दिया। गुजरात में हार का डर इतना सता रहा है, रातों की नींद हराम हो गई है भाजपाइयों की। उनके पास एक काम है सिर्फ, कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का उत्पीड़न करना है, जेल में डालना है। मैं बीजेपी के नेताओं से साफ तौर पर कहना चाहता हूं, तुम्हारी इस हताशा में की गई कार्रवाइयों से, ये जेल में डालने से आम आदमी पार्टी के नेता डरने और रुकने वाले नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल के अगर बीजेपी सोचती है कि गुजरात में हार से बच जाएंगे, तो हार से आप लोग बचने वाले नहीं हो। तुम्हारा उत्पीड़न, तुम्हारी हताशा में की गई ये कायरतापूर्ण कार्रवाई पूरा का पूरा गुजरात देख रहा है और देश देख रहा है। एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिनकी लोकप्रियता पूरे दुनिया में है, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जो दिल्ली के लाखों बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, एक ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे उनकी फोटो छप रही है, ऐसे शिक्षा मंत्री को भारतीय जनता पार्टी जेल में डालने की तैयारी कर रही है। कल उनको जेल में डालने जा रही है। इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस प्रकार के उत्पीड़न की कार्रवाई से, इस प्रकार जेल में डालने से, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करने से हार से बीजेपी नहीं बचेगी। हताशा में भाजपा के नेताओं को हो, जो कुछ भी करना है कर ले, जिसको भी जेल में डालना है डाल लो, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी टक्कर है गुजरात में, और गुजरात का चुनाव हम लोग जीतेंगे। दरअसल 2024 के चुनाव में केजरीवाल एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरना चाहते हैं, मगर उनकी टक्कर मोदी से है या एंटी मोदी गैंग के अखाड़े से, सबसे बड़ा सवाल ये है। मोदी वो नेता हैं जो अपनी राह सबके विकास और सबके विश्वास के साथ बढ़ते जा रहे हैं, मगर उनके विरोधी आपस में ही भिड़े पड़े हैं, तय नहीं कर पा रहे कि असली लीडर कौन होगा। बंगाल से ममता दीदी हैं। बंगाली राष्ट्रवाद के सहारे 2020 में ममता ने बीजेपी को मात दी। 26 से 27 फीसदी मुसलमान ममता बनर्जी की बड़ी ताकत है, मगर ममता जब भी उत्तर भारत आती हैं मात खा जाती है। राष्ट्रपति चुनाव में मात खाने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने स्टांस बदल लिया। ममता के मंत्रियों का भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते जाना भी एक बड़ी समस्या है। शिक्षक भर्ती घोटाले में उनके मंत्री पार्थ चटर्जी फंसे हुए हैं। पार्थ की महिला मित्र के घर से बड़ी मात्रा में नोटों की बरामदगी हुई। पार्थ इन पर कोई जवाब नहीं दे पाए। उनकी महिला मित्र गिरफ्तारी के बाद बड़े नाटकीय अंदाज से घर से बाहर निकली। अभी यह सारा मामला थमा भी नहीं था कि ईडी ने टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को गिरफ्तार कर लिया।
ईडी ने यह कार्रवाई उनके आवास पर तलाशी लेने और लंबी पूछताछ के बाद की। इससे पहले माणिक भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के चेयरमैन थे। इसी साल जून में उन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर पद से हटा दिया गया। माणिक पर शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित अनियमितताओं के आरोप लगे थे। मोदी से टक्कर लेने से पहले ममता को इन दागों को भी छुड़ाना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।